सकते हैं, बसेस हो गई, मेट्रोस हो गई, सारे के अनुभव ले सकते थे, जो मर्जी जितनी मर्जी घूम फिर सकते थे। और ठीक यहाँ पे रास्ते पे सटा हुआ है हिंदू मंदिर जी, जहाँ पे दो गौ माता हमारा स्वागत भी कर रही है जी। लेकिन दोनों का अगर कॉम्बो लेते हो तो आपको पड़ता है 59 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 3800 रुपीस के आसपास होता है। मस्त जगह है, क्यूट जगह है, मजा आकने कर रहा, रंग बिरंगी जगह है जी, क्योंकि एक से एक आपको फ्लावर्स देखने मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पे 30,000 जात के फ्लावर है। कितने हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सभी का, स्वागत करता हूँ एक नए सफर में, एक नए ट्रैवल सीरीज में, जो कि आज से हम शुरू कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, आगमन कर रहे हैं। इनफैक्ट इस वक्त हमें मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ से सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ के हम फ्लाई करने वाले हैं सिंगापुर। वहाँ पे कुछ दिन बिताने के बाद हम वहाँ से अगेन फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे फिलीपींस। तो ये ट्रैवल सीरीज बहुत खास होने वाली है, क्योंकि ऑल्दो हम सिंगापुर पहले जा चुके हैं, लेकिन इस दफा अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे सिंगापुर में, लेकिन साथ ही साथ फिलीपींस, जो कि हम पहले कभी नहीं जा चुके, वो भी अनुभव करेंगे ना। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्रायण, वणक्कम। हाँ जी दोस्तों, तो ये हम आगमन कर चुके हैं सिंगापुर पे, धरती पे कदम रख चुके हैं, सिंगापुर के इमिग्रेशन वगैरह हो चुका है। बता दूँ इसके वीज़ा के बारे में वगैरह, तो उससे पहले बता दूँ कि अब बजे रात के 8:30 और हमारी मुंबई इंडिया से फ़्लाइट थी 11:30 की। अभी इतने घंटे नहीं लगते हैं, मतलब सिंगापुर को 5.5 घंटे ही लगते हैं पहुँचने में मुंबई से, लेकिन 2.5 घंटा सिंगापुर आगे है, जिसके कारण एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। एनीवेज, बैक टू द पॉइंट, वीज़ा सिंगापुर का मैंने कोई अभी दोबारा वापस से नहीं लिया, क्योंकि आज से 20-22 महीने पहले जब मैं साउथ कोरिया ट्रिप करी थी, आने के टाइम में सिंगापुर उतरा था, तो मैंने सिंगापुर का वीज़ा उसी टाइम लगवाया था, और लकीली मुझे 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला था उस वक्त, जिसके कारण मेरे को अभी वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बता दूं कि सिंगापुर का वीज़ा कैसे होता है, 6 महीने से लेके 2 साल तक वो अपनी मर्जी के हिसाब से लगाते हैं, मतलब पासपोर्ट वगैरह देखते हैं कि पासपोर्ट अगर स्ट्रांग है तो 2 साल का भी मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा दे देते हैं, और चार्ज उनका एक ही रहता है 2200-2300 रुपये के आसपास। डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो आज की तारीख में भी वही सब लगते हैं, जैसे कि 2 साल की IT रिटर्न फाइल, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आपकी इनकम प्रूफ, जॉब करते हो तो 6 महीने की सैलरी स्लिप वगैरह, और साथ ही साथ आपको फ्लाइट टिकट दिखानी पड़ती है, होटल बुकिंग दिखानी पड़ती है, आइटनरी दिखानी पड़ती है, कवरिंग लेटर दिखाना पड़ता है, और ऑफकोर्स आपका वैलिड पासपोर्ट। आप MMT, अकबर ट्रैवल्स, मतलब ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जिसके द्वारा आप सिंगापुर वीज़ा लगवा सकते हो। तो भैया 2 महीने बाद ना मेरा सिंगापुर वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, मैंने सोचा कि एक बार राउंड मार ही लूँ, मजाक कर रहा हूँ ऑनेस्टली, इसीलिए मैं आया हूँ सिंगापुर, ताकि कि जो एक्टिविटीज़ नहीं करी है वो तो करूँ ही करूँ, साथ ही साथ ना इसके सहारे मैं फिलीपींस हुआ हूँ, क्योंकि फिलीपींस ना अलग से वीज़ा लगता है अगर आप डायरेक्टली जाते हो तो। लेकिन सिंगापुर का मल्टी एंट्री वीज़ा अगर है आपके पास, और अगर एक आधा दिन 2 दिन रुक के जाते हो फिलीपींस, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फिलीपींस में, तो ना आपके पैसे लगते हैं, ना आपको अलग से वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत होती है फिलीपींस की। ये मेन कारण था जिसके कारण मैं उतरा हूँ सिंगापुर, और 3 दिन इधर घूमूंगा फिरूंगा मजे करूंगा। लेकिन सबसे पहले ना आपको इन्फॉर्मेशन ये भी दूँ कि आज की तारीख में वीज़ा के साथ साथ यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट लगता है, जिसका नाम है सिंगापुर अराइवल कार्ड। तो बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं जी, 5 मिनट का प्रोसेस है, और आप फ्लाइट डेज के दिन भी कर सकते हो, मतलब आज की मेरी फ्लाइट थी, मैंने आज ही सुबह किया है एयरपोर्ट पहुँच के, मुंबई एयरपोर्ट लाउंज में बैठ के, जी हाँ, क्योंकि मुंबई इंडिया में वगैरह नहीं पूछते, वो यहाँ आपको दिखाना पड़ता है। गूगल में सर्च कर लो सिंगापुर अराइवल कार्ड, तो आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएगी, आप जाओ अंदर, अपनी पासपोर्ट डिटेल्स भरो, आपकी फ्लाइट डिटेल्स भरो, और साथ ही साथ आप कब रिटर्न होने वाले हो सिंगापुर से, नो मैटर थर्ड कंट्री, नो मैटर इंडिया, वो डिटेल डाल दो, और आपकी होटल या हॉस्टल बुकिंग डाल दो, तो 5 मिनट में आपको ईमेल आ जाएगा आपका SG अराइवल कार्ड का। अभी भाई सिंगापुर एयरपोर्ट का ऐसा है ना, नो मैटर आप कौन से भी टर्मिनल में उतरे हो, चंगी वाला जो है उसमें भी अगर उतरते हो, वहाँ पे भी ये अवेलेबल है, और यहाँ पे भी। जी मैं सिम कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट कार्ड की, जो कि वन ऑफ द मैंडेटरी चीज होती है अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो ये बेस्ट रहता है। कि जब मैं 2 साल पहले आया था ना, मतलब मान लो 20-22 महीने पहले,
तब 38 सिंगापुर डॉलर का मैंने लिया था 3 दिन का अनलिमिटेड पास, जिसमें जो मर्जी जितनी मर्जी आप बसेस हो गई, मेट्रोस हो गई, सारे के अनुभव ले सकते थे, जो मर्जी जितनी मर्जी घूम फिर सकते थे। मतलब सिंगापुर एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है, आपको पता ही है, तो टैक्सी वगैरह तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इनफैक्ट इधर से उधर भी जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो भी आपको बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। सबसे बेस्ट है ये कार्ड ले लेने का और अनलिमिटेड फिर 3 दिन घूमो फिरो मजे करो। सही कह रहा हूँ? Yes. हाँ सही कह रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। हाँ क्या? हाँ ये मेरे को मिला था पिछली बार भी, सोवेनियर। अच्छा कुछ नहीं जी, पोस्ट कार्ड है, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ छुट्टे दे दो। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू जी, शुक्रिया जी। ये ससुरा 20-22 महीनों में $10 इसका भी चार्ज बढ़ गया, बताओ $38 का $48 हो गया। एनीवे अब बारी आती है मेरे फ्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन की। तो आपने देखा रहेगा सिंगापुर एयरलाइंस की मैंने फ्लाइट ली थी, है ना, मुंबई से आने के लिए। तो जितनी भी फ्लाइटें हैं ना, मतलब मुंबई से सिंगापुर, सिंगापुर से फिलीपींस, फिलीपींस से वापस सिंगापुर और फिर सिंगापुर से वापस मुंबई, सारी सिंगापुर एयरलाइंस की मैंने फ्लाइट ली है और मेरे को बहुत ही मज़ेदार डील मिली है। जी हाँ, क्योंकि इस बार ना मैंने अलग तरीके से बुक करी थी। मैं बात कर रहा हूँ जोमंग की। ये एक सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है जहाँ से मतलब आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन लगती है 1500 रुपीज़ के आसपास इंक्लूडिंग GST। और इनफैक्ट मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, मेरा कूपन कोड भी दे देता हूँ ताकि क्या आपको और सस्ता मिले और डिस्काउंट मिले उसमें भी। अभी एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया पैसे देकर, है ना, इसमें बेनिफिट क्या होता है, एक से एक फ्लाइट डील्स मिलती है, नो मैटर सिंगापुर, नो मैटर फिलीपींस, नो मैटर USA, नो मैटर टर्की, मतलब बहुत सारी फ्लाइट्स ये आपको नोटिफाई करते रहते हैं ईमेल के सहारे वगैरह, आपको बहुत सारे अमेजिंग डील्स मिल जाते हैं। अभी मेरा ही केस देख लो, मेरे को कितनी सस्ती मिली है सारी फ्लाइट्स, मतलब मुंबई से, सिंगापुर से, फिलीपींस से बैक टू मुंबई 19,000 रुपीज़ के आसपास में सारे ही बुकिंग किया है। हालांकि थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा गया है, मैं बताता हूँ क्यों गया है। और इसमें ये अंडर की फ्लाइट्स इंक्लूडेड नहीं है, जो मैं फिलीपींस से एक शहर से दूसरे शहर जाऊँगा वो मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। तो बेसिकली कैसा रहता है जोमंग में ना, आपको जो फ्लाइट डील्स मिलती है ना वो रिटर्न एयरफेयर की मिलती है, ना मल्टी सिटी की मिलती है, ना आपको सिंगल वे की मिलती है, ठीक है। मैंने सोचा कि सिंगापुर की बुक करूँ, इससे अच्छा फिलीपींस ही 19,000 में रिटर्न टिकट मिल रही है वाया सिंगापुर, वो भी सिंगापुर एयरलाइंस में, तो इससे अच्छा डील और क्या हो सकता है। मैंने बुक कर दी, ठीक है। अब मेरे को सिंगापुर में 2-3 रात बितानी थी ताकि कि मैं ऑन अराइवल वीज़ा ले सकूँ फिलीपींस में। तो मैंने सिंगापुर एयरलाइंस वालों को फ़ोन किया कि मेरी जो मुंबई टू सिंगापुर की फ़्लाइट है और ठीक 3 घंटे बाद की मेरी फ़्लाइट थी मनीला के लिए, तो जो 3 घंटे वाली फ़्लाइट है ना मनीला के लिए, क्या वो 3 दिन एक्सटेंड हो सकती है, मतलब 3 दिन बाद की हो सकती है। उन्होंने चेक करा PNR देखकर, टिकट चेक करी, उन्होंने कहा जी हाँ हो सकती है, आपको ये फलाना डेट की मिल सकती है, सीट अवेलेबल है, आपको नो चार्ज लगेगा, कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, खाली 4,000 टैक्स लगेगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं कर दो आप। तो मैंने सोचा कि मोटा मोटी ओवरऑल कॉस्टिंग तो बहुत सस्ती हो रही है तो ये कर देता हूँ। हाँ ये एक इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर देना चाहता हूँ कि मेरे केस में वो फ्लाइट एक्सटेंड हो गई है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि PNR पे डिपेंड करता है, मतलब हम टिकट चेक करते हैं, अगर वो नॉन चेंजेबल रहती है सेम PNR में तो चेंज नहीं हो सकती, आपका K क्लास में नहीं आ रहा था जिसके कारण आपका चेंज हो सकता है वगैरह। तो मैं ये सोचा कि इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ऐसे ही हवे में ना बात करूँ कि पता है आप है ना सेम PNR में भी सारी बुकिंग कर लो, फिर अंदर अगर कुछ भी लैग चेंज करना है तो कर सकते हो, ये गलत हो जाएगा। मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूँ साथ ही साथ कि भाई साहब आप ये जरूर चेक करना, उसके बाद ही कोई चीज़ बुक करना। बैक टू द पॉइंट, यही कह रहा हूँ कि जोमंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपको फ्लाइट्स के अच्छे अच्छे डील्स चाहिए डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द सब्सक्रिप्शन। अभी मैं आ चुका हूँ एक्सपो स्टेशन पे, जो कि चंगी एयरपोर्ट है ना सिंगापुर का, उसका एक स्टॉप ही है। अभी यहाँ पे क्यों आया हो जी? यही से डाउनटाउन की ट्रेन मिलेगी, जो मैंने कार्ड खरीदा है ना उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, फिकर नॉट वरी नॉट, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा गया नहीं है, सिर्फ अब तक अपना 48 सिंगापुर डॉलर ही गया है, जिसमें अपने को लेकिन 3 दिन अनलिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला है जी। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आप सभी? और मॉर्निंग में हम निकल पड़े घूमने फिरने, सैर सपाटा करने जी सिंगापुर का। बता दूं ये रही मेरी हॉस्टल बोहेमिया, जहाँ पे मैं 3 रात रुकने वाला हूँ। और पता है मैंने कितना भरा है पैसा? जी हाँ, सिंगापुर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट कंट्री है, जहाँ की अगर हॉस्टल वगैरह की बात करूँ, मतलब सिंगल पर्सन तो होटल स्टे लेना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर वो बजट ट्रैवलिंग कर रहा है तो। बाकी अगर हॉस्टल की बात करो तो 3 रात का मैंने भरा है $170, जो कि इंडियन करेंसी में हो जाता है तकरीबन 11,000 रुपया। जी हाँ, 11,000 रुपये में 3 रात का हॉस्टल स्टे, जो कि 10 बेड का मिक्स रूम है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 या 2 ही बेड्स है,
10 बेड है, लेकिन ब्रेकफास्ट टॉवेल ये सब कुछ कुछ चीजें इंक्लूडेड है। हालांकि ब्रेकफास्ट के नाम पे इतना कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने दूध और कॉर्नफ्लेक्स ही खाया, बाकी ब्रेड वगैरह था, जाम था, बटर था वगैरह वगैरह। एनीवेज अभी मैं निकल पड़ा हूँ ताकि के थोड़े बहुत अट्रैक्शंस आप लोगों को घुमा सकूं पहले ही वीडियो में सिंगापुर के। और जब तक हम ना पहुंचे उस जगह पे, क्यों ना कुछ और बातें की जाए सिंगापुर की, जो कि दुनिया की सबसे कॉस्टलीस्ट कंट्री है। बिकॉज जस्ट इमेजिन, मैं अभी बगल में 7-Eleven, कोई और स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ, 7-Eleven की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने ये माइलो खरीदा है और पानी की 2 लीटर की बोतल खरीदी है, और मैंने तकरीबन 5.5 या 6.5 सिंगापुर डॉलर भरे हैं। जी हाँ, एक सिंगापुर डॉलर जैसे कि मैंने आपको कहा है 64-65 रुपये के आसपास होता है, मतलब 2 लीटर पानी की बोतल के मैंने 200 रुपये दिए है और इस माइलो के तकरीबन 150 रुपये दिए। मजाक नहीं कर रहा। अब इतनी महंगी है तो खास बात तो होगी ना सिंगापुर में, तो बिल्कुल है खास बात, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। और देख लो इस तरफ क्या डेकोरेशन है जोरदार, अपने को उस तरफ जाना है क्योंकि मेट्रो पकड़नी है MRT, जिसका कोई चार्ज अभी लगने नहीं वाला है जी 3 दिन में। वैसे सिंगापुर के लॉज या फिर कानून भी बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब इनफैक्ट मेट्रो में भी आप कुछ खा पी नहीं सकते, स्मोकिंग तो दूर की बात है, इनफैक्ट च्युइंगम इस देश में ना च्युइंगम बैन है। बता दूं इस एरिया का नाम है मॉस्क स्ट्रीट, मतलब ये जो चाइना टाउन से सटा हुआ इलाका है जहाँ पे मेरा स्टे भी है वगैरह है ना, तो ये मॉस्क स्ट्रीट है जहाँ पे अमेजिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाते हैं, लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। अभी तो बहुत सुबह का मॉल है, मतलब 9 बजे, ज़्यादा कोई टाइम हुआ नहीं है, फिर भी थोड़े बहुत टूरिस्ट आपको दिख जाएंगे फोटोज वीडियोस लेते हुए। और इस तरफ मेरे ठीक सामने है, ओए होए क्या बात है, हिंदू मंदिर, इतना खूबसूरत सा ये चाइना स्ट्रीट मार्केट है जहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, और क्या मस्त कलर है, नंदी बैल जी स्वागत कर रहे हैं हमारा, है ना, क्या बात है। जी भैया, दिन की शुरुआत जब मंदिर से हो जाती है तो और क्या ही चाहिए, है ना। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं गार्डन्स बाय द बे के इलाके में, मरीना बे इलाके में, जो कि वन ऑफ द मेन इलाका माना जाता है डाउनटाउन सिंगापुर का, और जहां हम पिछली बार भी आ चुके थे अपने दोस्त के साथ, आपको पता ही रहेगा डॉट्स, जो मेरी फ्रेंड है सिंगापुर की, जो कि टॉप ट्रैवल इंस्टाग्रामर है पूरे सिंगापुर की, उसने हमें घुमाया था फिराया था शाम में रात में, है ना सिंगापुर में। लेकिन इस बार सोचा कि दोबारा आया हो तो क्यों ना टिकट खर्चा करके, मतलब टिकट लेके अंदर भी जाऊँ ना, जिसके कारण ये मैंने टिकट खरीदी है। ये जो है ये है क्लाउड फॉरेस्ट, जिसकी टिकट प्राइस है $24, और ये है फ्लावर डोम, जिसकी टिकट प्राइस है $51, मतलब ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन दोनों का अगर कॉम्बो लेते हो तो आपको पड़ता है 59 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 3800 रुपीज के आसपास होता है, कि एवरेज आउट हो जाता है 1900 रुपया, है ना। हाय फ्रॉम इंडिया। अब देख लो जो भी है यही है, मतलब ये जो क्लाउड फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ ना, बस एक शुरुआत में वाटरफॉल दिख जाता है आपको, और उसके बाद जैसे ही आप अंदर आते हो तो ऊपर ये आ सकते हो, स्काई ब्रिज जो है ये बनाया गया है टूरिस्टों के लिए, यहाँ पे घूम सकते हो फिर सकते हो। हालांकि इतना चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है जी, बकायदा लिफ्ट की सुविधा है, आप लिफ्ट से ऊपर आ सकते हो और वापस ऐसे स्काई ब्रिज से नीचे उतर सकते हो नज़ारे देखते हुए। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं उतरना है तो अगेन आप लिफ्ट से उतर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक मेरे सामने है मरीना सैंड्स बे होटल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल है,
जहाँ पे 80,000-90,000 के नीचे जी कमरा नहीं मिलता है। और पिछली बार जब हम गए थे ऊपर स्काई ऑब्जर्वेटरी डेक के आसपास में, जी हाँ, इसके भी आप ऊपर जा सकते हो जहाँ पे आपको टिकट प्राइस लगती है 2200 या 2300 रुपीस के आसपास, अभी का मेरे को पता नहीं, उसके आसपास ही होगा। लेकिन आपको याद रहेगा 2 साल पहले वाला वीडियो आपने मेरा देखा है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ऊपर जाता हूँ, जी हाँ, उसका भी एक जुगाड़ रहता है, वो आप वीडियो देख लेना, मैं आई बटन में दे दूंगा, ताकि अगर आपको भी ऊपर जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट में तो आप वो वीडियो के सहारे जा सकते हो ऊपर और अनुभव कर सकते हो ऊपर से नज़ारे सिंगापुर के। अगेन इस तरफ में देखूँ तो स्काई ट्री है जो आप देख रहे हो, वहाँ पे भी हम पिछली बार गए थे और शाम में गए थे और मनोरंजन किया था लाइट और म्यूजिक शो का, जो कि बहुत ही बेहतरीन फ्री ऑफ कॉस्ट में शो आपको देखने मिल जाता है। तो इस बार अपन वो सब नहीं करेंगे जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जो नहीं किया है वही तो करने आए हैं। तो बेसिकली ये क्लाउड फॉरेस्ट तो अपन ने देख लिया, इतना कुछ है नहीं, वन टाइम विजिट है। वैसे टेम्परेचर की बात करूँ तो अगस्त का 3rd वीक चल रहा है जहाँ पे गर्मी तेज है, लेकिन ये डोम्स में ना एसी है, मस्त एयर कंडीशन है, जिसके कारण कूलिंग बड़ा ही जबरदस्त है। और कूलिंग के साथ साथ ये वाटरफॉल का व्यू भी जबरदस्त है जी, क्या बात है, अच्छा अच्छा। जगह पे आउटडोर के साथ साथ इंडोर भी काफी चीजें हैं जहाँ पे आप फोटोज वगैरह ले सकते हो, कुछ नया देख सकते हो। तो फ्लावर डोम एज ऑफ नाउ तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं बाहर आउटडोर में काफी चीजें देखनी बाकी अपनी भी। मस्त जगह है, क्यूट जगह है, मजाक नहीं कर रहा, रंग भी रंगी जगह है जी, क्योंकि एक से एक आपको फ्लावर्स देखने मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पे 30,000 जात के फ्लावर है, कितने 30,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स देखने मिल जाएंगे। जिसको पसंद है ना फूल और पौधे, उसका तो दिल खुश होना लाजमी है, इसीलिए तो इसका चार्ज भी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट जो लगता है ना इतना सारा। अगेन फ्लावर्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कारीगरी भी जोरदार है, एकदम शानदार बनाया है, जहाँ पे आप इंस्टाग्रामेबल फोटोज पोस्ट वीडियोस वगैरह जो मर्जी जितना मर्जी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ओए होए होए क्या मस्त है ना, ऐसे घर हो तो मजा ही आ जाए भाई। अभी ऐसे क्यूट वाले घर तो फिलहाल है नहीं, तो इधर ही आराम फरमा के उसके फील ले लेते हैं, लेकिन मजा जरूर आता है अपने घर में, बिकॉज वहाँ पे सुकून है। एनीवेज अगर फ्लावर डोम की बात करूँ तो हाईली रिकमेंड है, जिनको फ्लावर पसंद है, जिनको कलर पसंद है, जिनको इंस्टाग्राम में पोस्ट रील डालना जरूर पसंद है, वो ये जगह पे जरूर आ सकता है और मजे कर सकता है। हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन पैसा वसूल जरूर होगा। एनीवेज ये वीडियो मैं यहीं पे अन करता हूँ, जिसमें अपन ने बहुत चीजें देखी, मतलब फ्लाई करके सिंगापुर आए, फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है वो सारी जानी चीजें, और कितना महंगा है सिंगापुर वो भी देखा, और स्पेशली लास्ट में कुछ मेन अट्रैक्शन भी कवर किए। यू ही बने रही है, आगे आने वाले वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगी, कुछ नई चीजें देखेंगे। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।